सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। पर पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था, मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौने भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है, और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर इसको गति दी है। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करें, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1.7 करोड़ निवेशकों को एक पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी, और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रूपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा, ये शुरुआत है, अगर ये सफलता से होता है, और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं, इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है, और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने सीएससी की व्यवस्था की है, सीएससी के माध्यम से आप ये आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे सीएससी को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर आपकी सहायता करेंगे। ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब सबका हो चुका है। इसमें दो ही प्रमुख शर्तें हैं, एक आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना, और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये दो जुड़ाव है, तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है, और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है। आपके पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, इसमें आप जरा भी चिंता मत। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।